1947 में जब विभाजन हुआ, पार्टीशन हुआ, उस समय हम लोग वहाँ से निकलना हमारे लिए बड़ा दूभर था और हम लोग जैसे तैसे वहाँ से बच के निकले बिना किसी सामान को लिए हुए, क्योंकि मुसलमान लोग मारकाट कर रहे थे और सब जगह यही त्राही त्राही मची हुई थी। जैसे तैसे हम लोग गाड़ी की छत पे बैठ के आए और मथुरा कैंप में हम लोगों ने का हमारा इंतजाम हुआ और वहाँ मथुरा कैंप में हम लोग रुके। हमारे बाबूजी ने और माताजी ने बहुत मेहनत की और हम लोगों को जैसे तैसे पढ़ा दिया और लायक बनाया और इस प्रकार से हम लोग वहाँ से जैसे तैसे निकल के आए और मुसलमान लोगों से बचते हुए आए। मुसलमान लोग वहाँ पे हमारी बहन बेटियों को छेड़ रहे थे और तंग कर रहे थे, उनके साथ दुर्व्यवहार हो रहा था और ये सब चीज़ें यहाँ से भी ट्रेन काट के भेजी गई, यहाँ से भी ट्रेन काट के गई, तब जाके वो उन लोगों ने हमें छोड़ा, आने दिया। इस तरीके से हम लोग वहाँ से निकले बिना किसी चीज़ के, बिना किसी पैसे के। जब हम पाकिस्तान से आए तो हम बहुत छोटे थे, हमें तो कुछ याद भी नहीं है, लेकिन हमारे दादा दादी और हमारे पेरेंट्स ने जो हमें बताया कि हम कैसे आए, तो हम लोगों ने जो सुना मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि बहुत हालत ख़राब थी पाकिस्तान में, बहुत लोग मार काट कर रहे थे, मुसलमान लोग सबको हिंदुओं को मार रहे थे, लेकिन हमारे दादा दादी निकलने के लिए तैयार नहीं थे। कहते हैं घर छोड़ के कौन जाता है, ऐसे कोई घर छोड़ के जाते हैं क्या, हम तो यहीं रहेंगे। हमने उनको समझाया अच्छी तरह से कि नहीं, आपको चलना पड़ेगा, जैसे भी हो हम यहाँ नहीं रह सकते, तो समझा के उनको ले के आए। तो फिर एक मुसलमान जो कोतवाली का इंचार्ज था, उसको सपना आया कि आपका एक मंदिर था वहाँ पे, हमारे वहाँ पर डेरा गाजी खान में गोपीनाथ जी का मंदिर था, तो कहता है कि आपके जो काले पीर हैं ना, वो मुझे कह रहे हैं और मुझे सपने में आए हैं कि अगर तुम हिंदुओं को नहीं बचाओगे तो तुम्हारे सारे खानदान को हम नष्ट कर देंगे। तो उसने फिर हिंदुओं को बचाना शुरू किया, उसकी वजह से ही हम लोग बच के आए जैसे तैसे। और फिर हमारे पिताजी वहाँ पूरे पंजाब में पाकिस्तान में फर्स्ट आए थे, उनको ये घड़ी इनाम में मिली थी और ये इस घड़ी को मैंने आज तक संभाला हुआ है, इस घड़ी को मैंने आज तक संभाला हुआ है, अभी तक हमें ये सब कुछ याद दिलाते।